बहुत अच्छे, आइए अब देखो लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा। हमने वो फॉर्मूला पढ़ा कि भाई अगर हम दो क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एरर कैसे आगे बढ़ेगी। हमने ये सीखा कि अगर हम दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं तो एरर आगे कैसे बढ़ेगी। अब एक स्पेशल केस आता है कि जैसे मान ले अपने को फॉर्मूला ऐसे दिया हुआ है कि इफ सपोज करो ऐसे दे दिया y बराबर a की पावर p q की पावर r, या ऐसे लिखूं रुक जा b की पावर r और c की पावर q। कोई भी फॉर्मूला है ऐसा हो सकता है जिसमें पावर लगी हो। एग्जामिनर मान लो अगर तुमसे कहे कि भैया एक काम कर इसमें एरर बता कितनी होगी, तो इसकी एरर निकालने का एक सीधा सा तरीका है। देखो कैसे लिखेंगे इसको, डेल्टा वाई बाय वाई रिलेटिव एरर बराबर इसकी पावर क्या है पी पावर की मल्टीप्लाई डेल्टा ए बाय ए प्लस दूसरी पावर क्या है आर की मल्टीप्लाई डेल्टा बी बाय बी प्लस तीसरी पावर क्या है क्यू क्यू की मल्टीप्लाई डेल्टा सी बाय सी। तीनों की क्या कर दो आपस में मल्टीप्लाई, फिर ऐड कर दो। मतलब पावर की आगे मल्टीप्लाई होगी हमेशा, पावर की आगे हमेशा क्या होगी मल्टीप्लाई। दूसरी बात, अगर मान ले एग्जामिनर कहे कि इसी में परसेंटेज एरर निकाल, एग्जामिनर कहे कि इसी में क्या निकाल, तो दोनों साइड 100 से क्या कर दो इनटू 100 बराबर ये पूरा जो रिजल्ट आए ये इसकी भी 100 से क्या कर दो उठा के, इसकी भी 100 से क्या कर दो आंसर आएगा। हाँ ना बोलो, ये लिख लो, ये लिखो जरा कॉपी में। इस पे एनसीईआरटी में एक बहुत बढ़िया सवाल है, दिख नहीं रहा, जिंग 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 कहां रखूं इसको। तो एक काम कर सुन, दो कन्याएं इधर आ जाओ, दो कन्याएं इधर आ जाओ, अब तुम इधर हो जाओ। अभी तो क्लास में बहुत जगह बाकी है क्योंकि तुम्हारे साथ के जितने वर्बी जो चिरकुट लोग हैं उनकी आंखें जुलाई में खुलेंगी कि आइए पढ़ना शुरू करते हैं। अभी तो गांव गए होंगे ना, अभी तो गांव गए होंगे, बहुत सारे लोग गांव गए, अभी गांव से वापस आएंगे फिर फेल होंगे। 11वीं में फेल होना ट्रॉफी होती है, 11वीं में फेल होना क्या होती है ट्रॉफी, बहुत जरूरी है। और बच्चों अभी तो तुम्हें ठीक, अच्छा एक बात बताओ आज की क्लास में कितने लोग हैं जो पहली क्लास में बैठे हैं, मतलब जिनकी फर्स्ट क्लास है आज। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके। और जो ये जो पुराने चिरकुट हैं, तुम्हें तो अच्छा लग रहा होगा ना, तुम्हें भी क्या लग रहा होगा, ग्यारहवीं बहुत ईजी है कि नहीं है। यस इट्स वेरी ईजी। अभी देखो इस पर न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं ना, इस पर सवाल कैसे आएगा देख। उतार लिया क्या फॉर्मूला, सभी ने उतार लिया भाई? देखो जरा, अब देखो जैसे ये ना एक एनसीईआरटी का ही सवाल दे दिया। किसका सवाल दे दिया? ये एक्चुअली ना एनसीईआरटी का सॉल्व्ड एग्जांपल है। एनसीईआरटी का क्या है ये? सॉल्व्ड एग्जांपल। तो वो कहता है कि जैसे मान ले एक्चुअली फॉर्मूला ये दिया हुआ है कि जेड बराबर ए की पावर 4 बी की पावर 1/3 डिवाइड बाय सी इंटू डी की पावर 3/2। वो कह रहा है अगर जेड का ये फॉर्मूला है तो एक काम करो ये बताओ कि इसमें रिलेटिव एरर कितना होगा, ये बताओ कि इसमें रिलेटिव एरर कितना होगा। तो बिल्कुल जो अभी फॉर्मूला पढ़ा था वही लगा दें सीधा सीधा, Z की जगह देखो तो क्या लिख सकते हैं, डेल्टा Z बाय बराबर A की पावर बोल कितनी है, क्या लिखा जा सकता है 4 इंटू में डेल्टा A बाय प्लस B की पावर बोल 1/3 इंटू में डेल्टा B बाय प्लस C की पावर 3/2। अरे बावला हो गया क्या, C की पावर 3/2 का है,
हाँ वर्तिका आई है, सी की पावर, तो वन इंटू में डेल्टा सी बाय प्लस में डी की पावर, बोलो तो क्या लिखेंगे, 3/2 इंटू डेल्टा डी बाय, यही तुम्हारा क्या आ गया आंसर, यही तुम्हारा क्या आ गया आंसर, इतना ही करना था बस। पल्ले पड़ा क्या किया गया, पावर की मल्टीप्लाई करने का है, पावर की क्या करने का है, और बाकी जितनी भी टर्म्स आए सबको क्या कर दो ऐड, पावर की मल्टीप्लाई करो और जितनी भी टर्म्स आए उनको क्या कर दो, हाँ ना बोलो, उतारना उतारो उतारो, सिंपल था, हो गया वेरी सिंपल। केवल पावर की क्या कर देनी है, केवल क्या करनी है मल्टी, और तो कुछ है ही नहीं इसमें, है ना। अब देखो, अब शायद से हाँ ये सवाल कुछ कुछ वैसा ही है, शायद से सवाल एनसीईआरटी का है, शायद इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जो संख्याएं दे रखी हैं हो सकता है ये मैंने बदल दी हूं, वरना तो चैप्टर नंबर 2 बैक एक्सरसाइजेस का क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल सिमिलर है, वैल्यू इधर उधर हो सकती है, और ये आता है भाई पेपर में बहुत ज्यादा, ये है 5 सितारा टॉपिक, तुम्हारे स्कूल के मास्टर जी को लगता है बहुत अच्छा, और क्या पता एज इट इज तुम्हारे पेपर में छपा हुआ मिल जाए। समझ लो सवाल क्या कह रहा है, कहता भाई एक फिजिकल क्वांटिटी है उसका फॉर्मूला दे दिया क्यू बराबर ए स्क्वायर बी की पावर 3/2 डिवाइड बाय सी 4 इंटू में डी की पावर 1/2। कहता है ए बी सी और डी में जो एरर है वो 1%, 2%, 4% और कितना परसेंट है, चारों क्वांटिटी का एरर दे दिया। कहता है क्यू के अंदर जो परसेंटेज एरर है उसे कैलकुलेट करो, क्यू के परसेंटेज एरर को क्या करो कैलकुलेट। आओ जरा समझते हैं बात को, इसमें एरर निकालने का तो कैसे लिखा जाएगा, डेल्टा क्यू बाय क्यू बराबर, बोलो पावर कितनी है, 2 इंटू में डेल्टा ए बाय प्लस में, बोलो पावर कितनी है, 3/2 इंटू में डेल्टा बी बाय प्लस, बोलो बोलो खुद ही बोलो तुम लोग, सी की पावर, तो क्या लिखा जाए, 4 इंटू में डेल्टा सी बाय प्लस में डी की पावर, बोलो तो 1/2 इंटू में डेल्टा डी बाय डी, हाँ ना बोलो यार। अब वैसे तो पिछले क्वेश्चनों में यहां तक अपना आंसर आ रहा था क्योंकि उसने बोला ही नहीं कि तुम परसेंटेज एरर निकालो, इसमें उसने क्या बोला, परसेंटेज में आंसर निकालो और ए बी सी डी सबकी एरर भी दे रखी है, क्या करने का, 100 से क्या कर देने का, बराबर 2 इंटू में डेल्टा ए बाय ए इंटू प्लस 3/2 डेल्टा बी बाय बी इंटू प्लस 4 इंटू डेल्टा सी बाय सी इंटू प्लस 1/2 इंटू डेल्टा डी बाय डी इंटू में 100। ध्यान से समझ, ये तो परसेंटेज एरर बन गया क्यू में, ये ए का परसेंटेज एरर, ये बी का, ये सी का और ये इन सब की क्या दी हुई है वैल्यूज, देख कितनी दी हुई है, देख ए का परसेंटेज एरर कितना है, यहां रख दे 1 प्लस 3/2 इंटू, बोल बी में कितना है, यहां रख दे 2 प्लस सी में, बोल भाई कितना दिया, रख दे 4 प्लस डी में, बोल भाई हाँ ना बोलो, सॉल्व कर लो, 2 1 जा 2 प्लस 3
प्लस 16 प्लस 2 पॉइंट कितना आया 16 2 18 3 21 और 2 23 23% आंसर खत्म आया। ऐसे होगा न्यूमेरिकल, ये बहुत आता है पेपर में, उतार डालो फटाक से। डन है ये, कर दोगे क्या? देखिए कॉन्फिडेंस बूस्टर, क्या है ये सवाल? वही तो है सेम, देखना कुछ बदलेगा आंसर में। देखो जरा, करो करो करो, शाबाश शाबाश शाबाश, उत्तर भी दिया हुआ है 22%। तुम लोग को आंसर पता हो तो तुम अब तो क्वेश्चन तो कर ही देते हो, फिर जैसे भी करो। अटेंडेंस दे बेटा, अटेंडेंस लगानी शुरू करो भाई। व्हाइट शीट सर्कुलेट हो रही है तुम लोगों के पास, इसमें अपना नाम, और जो लोग आज ही की क्लास में बैठे हैं वो अपना व्हाट्सएप का कोई कॉन्टेक्ट नंबर। जल्दी ऐसे चुटकी बजा के 30 सेकंड में कर देने का, सीधा सीधा 2 1 2 3 3 2 5 16 5 21 22 आएगा, 22 आएगा, आ रहा है ओरली भी 22 ही आ रहा भाई। बाईस आएगा, हो गया भाई, आ गया 22। सागर आया 22, करो 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 शाबाश। यार ये तो बड़ा आसान सवाल है यार, वेरी इजी। चलो आओ, ये क्वांटिटी क्यू है, देखना जरा डेल्टा क्यू बाय क्यू, थोड़ा जल्दी कर दूं, टू इंटू में डेल्टा ए बाय ए, 3/2 डेल्टा बी बाय बी, 4 डेल्टा सी बाय सी, 1/2 डेल्टा डी बाय डी, दोनों साइड 100 से क्या कर लो, इंटू 100, 2 इंटू डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 प्लस 3/2 डेल्टा बी बाय बी इंटू 100 प्लस 4 इंटू डेल्टा सी बाय सी इंटू 100 प्लस 1/2 इंटू डेल्टा डी बाय डी इंटू में, ये ए का परसेंटेज एरर, ये बी, ये सी, ये डी, बोल क्या क्या वैल्यू दी है। चल भाई आजा जल्दी, ए की परसेंटेज एरर 1, बी की परसेंटेज एरर बोल, सी की, डी की, दो ने दो को मारा, सही है क्या? टू वन जाए 2 प्लस 3 प्लस 16 प्लस 1 22% आंसर, 22% आंसर। अरे आया नहीं आया? yes, अरे पक्की बात? yes, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में एरर हुई होगी बीच में, गणित नहीं है ना, गणित के बिना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार, लेकिन अपना गणित जो है ना वो सुधारो, अपना गणित सुधारो, नहीं तो बात नहीं बन पाएगी। अरे हो गया भाई? yes, sir। आगे बढ़ेंगे, आओ टाइम पास चीजें, ये चीजें तुमको केमिस्ट्री वाले मास्टर जी ने भी पढ़ाई होंगी। अरे केमिस्ट्री समझते हो? केमिस्ट्री, मैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी को विषय नहीं मानता, साइंस में मैं सिर्फ दो ही सब्जेक्ट को सब्जेक्ट मानता हूं, फिजिक्स और मैथ्स। केमिस्ट्री बायो बच्चे फिर भी पढ़ते रहते हैं, बायो बायो ट्यूशन व्यूशन पता नहीं क्यों पढ़ते हैं, समझ नहीं आती मेरे को। खैर पैटर्न है, ट्रेंड चल रहा है, तो ये पढ़े हो तुम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स, सच सच बोलना झूठ नहीं, केमिस्ट्री वाले सर ने पढ़ाया होगा ना? ये तो पहले पहली क्लास में केमिस्ट्री में यही पढ़ाते हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, यही चैप्टर होगा ना 11th का? हमारे यहां तो पहला था, हमारे तो पहले दिन यही पढ़ाया था हमारे सर ने, कि बोले हम क्या करेंगे, बोले हम सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ेंगे। खैर चलो नहीं पढ़ाया तो ठीक है, वैसे भी फिजिक्स वाले मास्टर को सब पढ़ाना पड़ता है। सिग्निफिकेंट फिगर्स, कौन सी फिगर्स? बात लॉजिकल है, बात
अगर मान लो मैं तुम्हारे सामने लिखूं दो संख्याएं, मैं लिखूं 23.21, 23.211, कौन सी ज्यादा एक्यूरेट है, पहली या दूसरी? दूसरी। कौन सी ज्यादा एक्यूरेट है, पहली या दूसरी ज्यादा एक्यूरेट है? क्यों? क्योंकि यहां पे तुम डेसिमल के तीन प्लेसेस तक आंसर दे रहे हो और यहां पे तुमने डेसिमल के कितने प्लेसेस तक आंसर दिया, दो। तो यहां पे अगर मैं ये कहूं कि भाई मान ले मैंने नापा किसी चीज को, मेजर किया और उस मेजर करने में एरर आया, क्या आया? तो यहां पे ये वाली जो क्वांटिटी है लास्ट, इसमें एरर हो सकता है और यहां पे किसमें एरर हो सकता है, क्या पता इसके आगे भी कुछ हो। अरे ये तो इस बात पे डिपेंड करता है ना मेरा डिवाइस कैसा है। तो इस बात को समझ, मैं हाथ में घड़ी पहना हूं, सोच के देख, लॉजिक है, मैं हाथ में घड़ी पहना हूं, कम से कम टाइम कितना नाप सकती है ये वाली घड़ी, एक सेकेंड। अरे टिक 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 कर रही है, डिजिटल तो है नहीं, तो कम से कम कितना समय नाप सकती है, एक। इस समय को हम कहते हैं किसी भी डिवाइस का लीस्ट काउंट, क्या कहते हैं? एल डॉट सी। क्या बोलते हैं? लीस्ट काउंट। अब मान ले मुझे एक सेकंड से कम समय नापना हो तो कैसे करूंगा, डिवाइस क्या करना पड़ेगा, चेंज। अब मान ले मैं एक ऐसी घड़ी ले आया जो ये कह रही है कि टाइम इतना सेकंड हुआ, अब ये एक सेकंड से भी कम नापा ना इसने, 0.21 सेकंड। मान ले और अच्छा डिवाइस लिया, अगर तू और अच्छा डिवाइस ले आएगा तो वो और ज्यादा टाइम को नाप देगा। अगर मैं लेंथ की बात करूं, ले तेरे को तेरे एग्जांपल से समझाता हूं, लेंथ की बात करूं, स्केल फुट्टा तुम लोग यूज करते हो, कम से कम कितनी दूरी नापता है, 1 मिलीमीटर। सोच के देखना भाई, तेरे स्केल पे छोटी से छोटी डिवीजन कितनी होती है, 1 mm, उससे कम नापेगा? अब तूने किसी चीज की लेंथ स्केल से नापी, मान ले तूने लिख दिया 23.1, उसी चीज को अगर एक दूसरे डिवाइस से नापता है जिसका नाम है वर्नियर कैलिपर्स, प्रैक्टिकल है इसका तुम्हारे यहां, डिवाइस का नाम क्या है, वर्नियर, ये कितना नापता है, 0.01 सेंटीमीटर, तो ये उससे ज्यादा एक्यूरेट हुआ ना। और फिर एक और डिवाइस आ गया तीसरा, स्क्रू गेज, ये नापता है 0.001 सेंटीमीटर, तो ये उससे भी ज्यादा क्या हुआ, यहां पे इसमें एरर था, यहां इसमें एरर है, यहां इसमें एरर है, क्या पता और एक्यूरेट डिवाइस हो जो डेसिमल के एक प्लेस और तक तेरे को रिजल्ट दे। तो इसमें अनसर्टेनिटी है ना, इसमें क्या है, इसमें अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी को छोड़ के बाकी जो संख्याएं होती हैं उन्हें सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, तेरे को इसके फालतू लॉजिक में पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक परिभाषा लिख, छोटी सी लिख जरा जल्दी से, ये बाद में मैं पढ़ाऊंगा स्क्रू गेज वगैरह क्या है, मेरे पास है ये डिवाइस, ठीक है, परिभाषा लिख जरा, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी रिप्रेजेंट्स द डिजिट्स, represents the digits in which we have confidence, in which we have, ये उन digits को represent करती है जिनमें हमें confidence है, मतलब है मैं 100% कह सकता हूं कि ये जो मैंने नापा है वो क्या नापा है, सही। तुमको क्या याद रखना है कि इन significant figures को count कैसे किया जाए, और इनको काउंट करने के तुम्हें रूल याद होने चाहिए, क्या याद होने चाहिए, रूल सारे लिखे हुए हैं, मैं एक एक करके तुमको समझाता हूं क्या रूल है, कैसे काउंट किए जाते हैं। देखो रूल नंबर 1 क्या कह रहा है, कहता है यार ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मान लो मैं कोई एक संख्या ले लूं, मैं कहता हूं 124 मीटर, ये कितनी डिजिट है इसमें, पहले तो ये बताओ, तीनों नॉन जीरो हैं। तो अगर एग्जामिनर कहे कि बता इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हैं, बोल आंसर क्या आएगा, 3।
ये तीनों की तीनों ही सिग्निफिकेंट हैं। इसमें एरर का चांस नजर नहीं आ रहा, तो ये तीनों की तीनों क्या है? सिग्निफिकेंट। मान ले मैं कोई और संख्या लिख दूं, सपोज कर 24653 मीटर, क्या सारी नॉन जीरो हैं? क्या सारी नॉन जीरो हैं? तो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या क्या हो जाएगी? आया नहीं आया, पहली बात। दूसरी बात कहता है वो सभी जीरो जो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आएंगी वो सिग्निफिकेंट होगी। एग्जाम्पल समझ, एग्जाम्पल समझ। मान ली मैं संख्या लिखूं 2002 केजी, मान ली मैंने संख्या लिखी 2002, ये जीरो किसके बीच में? दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में। यार हाँ ना तो बोलो, ये टू नॉन जीरो है, ये वाला टू भी नॉन जीरो है, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच की जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट मानी जाएगी। तो इस केस में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है? फोर। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? फोर। आया नहीं आया? पक्की बात। अगले रूल पे चलें। अगला रूल कहता है द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, संख्या लिखी 123 मीटर, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? अब मान ले तूने यूनिट बदल दी और तूने मीटर को क्या कर दिया, तो आंसर क्या आया? 12,300 सेंटीमीटर। तो अगर डेसिमल नहीं लगा तो ये वाली जो जीरोस हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं मानी जाएंगी। इसमें भी, और अब इसको मिलीमीटर में लिख ले, ऐसे तो यूनिट घटाता जाएगा तो संख्याएं क्या होती जाएंगी, तो ये जो बाद में जीरोस लगी हैं ये सिग्निफिकेंट, और इन तीनों में ही सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या कितनी है? तीन। कितनी संख्या है? यार हाँ ना तो बोलो। अरे बोलो, आया नहीं आया? अगला रूल, अगला रूल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, कहता है ऑल जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ एन अंडरस्टूड डेसिमल पॉइंट बट टू द राइट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट इफ दे कम फ्रॉम अ मेजरमेंट, इफ दे कम फ्रॉम अ, इफ दे कम फ्रॉम अ। दोबारा समझो ध्यान से, अंग्रेजी की क्या बनाओ दिमाग में हिंदी। All zeros to the left of an understood decimal point, लेकिन एक non-zero digit के right में significant होंगी अगर वो एक measurement से आती है। 400 मीटर की दूरी, कितने मीटर की दूरी? 400। कितने मीटर की दूरी? 400। इसके अंदर वैल्यू जो है वो मीटर्स में मेजर की गई है, ऐसे तो दिया नहीं है कि 400 मीटर को मैं किस में लिखूं, सेंटीमीटर में। अगर एग्जामिनर केवल ये कहता है कि बता इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, कितनी है, कितनी है, सोचो सोचो, एक है या तीन है, सोच के देखो। फिर तुम नहीं समझे बात को, किसी बंदे ने लेंथ को नापा, उसने लेंथ को नाप के लिख दिया 400 मीटर लेंथ है, भाई कितने मीटर लेंथ है? 400। तो क्या केवल चार सही है, बाकी की दो जीरो बेकार हैं? ये वाला रूल कब लग रहा है? तुम वो वाला रूल लगा रहे हो ना कि पीछे की जीरो को सिग्निफिकेंट नहीं मानना, वो रूल तब लगेगा जब यूनिट का क्या हो रहा हो, चेंज। जब यूनिट का क्या हो रहा हो, यहां पे कोई चेंज थोड़ी हो रहा है, यहां पे तो किसी ने नाप के वैल्यू कितनी लिख दी, 400 मीटर, 400 तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट है? तीन। हां सुनो, अगर एग्जामिनर तुमको बेवकूफ बनाए और वो ये कहे 400 मीटर को अगर मैं बदल दूं सेंटीमीटर में, कितना बदल, 40,000 सेंटीमीटर, अगर वो ये पूछे और ये पूछ ले कि बता इसमें कितनी सिग्निफिकेंट, इतने इसमें कितनी सिग्निफिकेंट, दोनों में कितनी,
इसमें भी तीन और इसमें भी यूनिट के कन्वर्जन से जो जीरो ऐड होगी वो सिग्निफिकेंट। हाँ ना बोलो, बात पल्ले पड़ी? अभी खत्म नहीं हुए रूल, एक साथ उतारना। अब लिखो, आओ मैं बताता हूं तुमको इन तीन रूल्स का निचोड़। मैं बताता है, रुको, रूल मैं लिखता हूं एक बढ़िया जो तुमको आराम से समझ में आए। लिख दूं? मैं लिखता है, इन अ नंबर, इन अ, इनको मत लिखना, इनको मत लिखना, ये मेरे एडिटर ने पता नहीं कहीं से उठा के छाप दिया, तुमको पल्ले किताबी ज्ञान। इन अ नंबर लेस देन वन, इन अ नंबर लेस देन, एक ऐसा नंबर जो वन से यानी कि डेसिमल में होगा, डेसिमल में हो सकता है, इन अ नंबर लेस देन वन, ऑल द जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट, टू द लेफ्ट ऑफ अ डेसिमल, एंड टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट बट बिफोर अ नॉन जीरो डिजिट, बट बिफोर अ नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, आर नॉट। एग्जाम्पल समझ, मैंने क्या लिखा है बात को समझ। एग्जाम्पल से मान ले मैं एक संख्या लिखूं 0.00023, ये संख्या लिखी मैंने डेसिमल, ये है कहता है डेसिमल के लेफ्ट की और डेसिमल के राइट की वो जीरो जो नॉन जीरो डिजिट से पहले हैं, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये सिग्निफिकेंट मतलब इस संख्या में अगर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर निकालूं तो बोल कितनी निकलेंगी, दो, ये आखिरी वाली दो। आया नहीं आया? आया नहीं आया? आखिरी वाली दो सिग्निफिकेंट है, वही लिखा मैंने डेसिमल के लेफ्ट पे, डेसिमल के राइट की जीरो लेकिन नॉन जीरो डिजिट से पहले की, सिग्निफिकेंट बाद की होती है। तो जीरो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में पड़ गई ना, तो रूल पहला वाला अप्लाई हो गया। आई बात समझ में? पहले की नहीं होती, लेकिन अगर मैं इसी को लिख दूं, मीटिंग बंद हो गई क्या? हाँ देखो, एक मिनट ठहरो, ये बच्ची कश्मीर से जुड़ती है, उसको पढ़ाना। कश्मीर से कैसे बुलाऊं यहां, गड़बड़ है। जिंग 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 जिंग, हाँ अब आ जाओ फालतू। हाँ अगर ऐसे लिख दो 0.00023 अब कितनी हो गई, तीन। अब कितनी हो गई, हाँ ना बोलो भाई, अब कितनी हो गई, ये तीन। तो डेसिमल के पहले की, डेसिमल के बाद की, पर नॉन जीरो डिजिट से पहले की सिग्निफिकेंट नहीं है, उसके बाद वाली सिग्निफिकेंट है। आया नहीं आया? अरे आया नहीं आया? एक रूल और समझ ले, छोटा सा फालतू की बात, एकदम फालतू की बात। देख, एवोगैड्रो नंबर जानते हो? फेस हो गया, ये क्या बोल दिया? अरे ऐसा कोई नंबर होता है, एवोगैड्रो नंबर होता है? होता भाई, जिसको नहीं पता मैं लिख दूं, क्या बोल रहा था बालक, 6.022 सही है। अब तू देख, अच्छा बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? चार, बाद वाली जीरो नहीं मानी जाएंगी। क्यों? मान ले मैं इस डेसिमल को खिसका दूं और मैं इसको कर दूं 60.22 × 10^22, अब भी कितनी है? और डेसिमल को खिसका दे तब भी कितनी रहेंगी? मतलब 10^10 के इंक्रीज और डिक्रीज होने से सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या पे कोई फर्क नहीं।
अरे आया नहीं आया, एग्जाम्पल के साथ रूल लिख ले भाई, यू नो पेपर में एक नंबर का सवाल आ जाता है, बोले पहचान कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, उतार। अरे चलो आओ जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करेंगे, फालतू की बात नहीं, चलो बताओ 0.02 बोल कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, एक दो, कितने लोगों को लगता है एक, हाथ खड़े करो, शाबाश। 0.003 बोलो कितनी, 0.200 बोलो कितनी, 1234 मीटर बोलो कितनी, बस फालतू की बात यही यही प्रैक्टिस है, और कुछ नहीं आता, टाइम पास। हाँ इधर आ जाओ राउंडिंग ऑफ पे, अरे राउंड ऑफ करना आता है नहीं आता, आता ही होगा, बचपन से सीख रहे हो, संख्या 5 से बड़ी है तो एक बढ़ा दो, 5 से छोटी है तो घटाते तो नहीं है, एक घटा दो, ऐसी ऐसे ही छोड़ दो उसको। मान ले इधर संख्या देख, एग्जाम्पल से सिखा रहा हूं सीधा, एग्जाम्पल 1 मान ले 16.271 सपोज, एग्जामिनर कहता है 7 को ड्रॉप कर दे, राउंड ऑफ कर दे, ड्रॉप करने का मतलब क्या कर दे, बोलो आंसर क्या आना है, जो 2 था उसको एक बढ़ा दिया ना हमने, उसको ड्रॉप कर दिया। मान लो संख्या होती 16.222 और मान ले एग्जामिनर कहता इस वाले 2 को ड्रॉप कर दे, तो क्या आंसर आता बोल, 16. इतना तो आता है ना, ये तो मैं मान लू ना इतना आता है, ये तो मेरे को पढ़ाना भी नहीं था, मैंने ऐसे ही पढ़ा दिया, हाँ ना बोलो, संख्या 5 से बड़ी हो तो एक बढ़ा दो, 5 से छोटी हो तो वैसी छोड़ दो। अब सुन काम की बात जो यहां सीखनी है, मान ले संख्या है ये, ड्रॉप करना है 5, अब बोल 16.2, 16.3, अब हो गया ना गड़बड़, हो गया ना कहानी खत्म, अभी तक तो हीरो बन रहे थे वहां, 5 से बड़ी 5 से छोटी, जो ड्रॉप करनी है वो 5 ही है, अब बोल, नियम बताऊं मैं लिखवाऊंगा, पहले समझ लो, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय अ नॉन जीरो डिजिट देन द प्रेसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। जिस संख्या को ड्रॉप करना है अगर वो 5 है और उसके बाद एक नॉन जीरो डिजिट है तो उससे पहली वाली संख्या को 1 क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। अब सुन इतने आसानी से कहां छोड़ेंगे, ये था पहला, ये था एग्जाम्पल दूसरा, ये था तीसरा, अब चौथे पे आ, पांच ही ड्रॉप करना है और अब 5 के बाद नॉन जीरो भी नहीं है, जीरो ही है, अब क्या करेगा, अब क्या करेगा, क्यों, तो क्या हो गया, जीरो है तो, मैंने तो नॉन जीरो का रूल बताया कि अगर संख्या को ड्रॉप करना है जिसको वो 5 है, 5 के बाद एक नॉन जीरो डिजिट है तो उससे पहले वाली को एक बढ़ा दो, अगर 5 के बाद जीरो है तो पहले, 5 के बाद जीरो है तो उससे पहले वाली संख्या को एज इट इज छोड़ दो अगर वो इवन है, रूल सुन ले, अगर वो क्या है, अगर इसकी जगह ये संख्या होती 16.350 और 5 को ड्रॉप करना होता, आंसर आता 16.4। अगर इवन है तो एज इट इज छोड़ दे, अगर ऑड है तो 1, ये रूल है राउंड ऑफ करने का, पल्ले पड़ गया, ये राउंडिंग ऑफ के रूल्स हैं, बोलो क्लियर, लिखवाऊं, ये दो तो लिखवाने की जरूरत नहीं है ना, 5 से बड़ा हो तो 1 बढ़ा दो, 5 से छोटा हो तो 1 घटा दो, हाँ ना बोलो, ये लिखवाऊं, तीसरा लिखो रूल, लिखो थर्ड वाले केस के लिए, एग्जाम्पल लिखते चलना साथ के साथ, लिखो If the digit to be dropped is 5, dropped is 5, followed by a non-zero digit, followed by a non-zero digit, then the preceding digit, is raised by 1.
देन द प्रेसिडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1. एग्जाम्पल लिख लो ये इसके बाद, रूल के बाद. तीसरा वाला एग्जाम्पल रूल के बाद लिख लो. हो गया भाई. अगला लिखो फोर्थ. इफ द डिजिट, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय अ 0 followed by a comma, then the preceding digit is left unchanged if it is even and raised by one if it is odd. Full stop. Example लिख लो. और जो अंग्रेजी लिखवाई है मैंने, इसको एक बार पढ़ के देखो. ये किताबी लैंग्वेज नहीं है, ये खुद से बनाई हुई लैंग्वेज है. पल्ले पढ़ जानी चाहिए आराम से. ठीक है भाई, क्लियर होगी बात? हाँ ना बोलो यार. आगे बढ़े क्या? चलो आओ एक काम करते हैं. पेन कहाँ गया? हाँ, एक काम करते हैं. कहता ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. सीधा एग्जांपल से समझाऊं? बोलो. आओ एग्जांपल समझना बात को. ये मल्टीप्लाई डिवाइड में नहीं है, मैं मेरे पास जगह नहीं है. चलो मैं एक पेज ऐड कर लेता हूँ यहाँ. अब सही है, मान ले. डरने का नहीं. एग्जांपल मान ले 0.2 मैं ऐड करो 0.22 मैं ऐड करो 0.222 कर सकते हैं पर मुश्किल है क्या? करें? आओ ऐड करें. एकदम बढ़िया तरह, एकदम है ना, बच्चे की तरह करेंगे. हैं? 0.00 ऐसी तो करते हो तुम लोग. कितना आएगा? 2 और 2 4 2 2 2 0 सही है क्या? गलत है. सही नहीं है, गलत है. कंफर्म वाली बात है, 200% कह रहे हैं गलत है. और यही तो फिजिक्स का स्वाद है असली. अब मान ले ये सवाल एमसीक्यू में आया, उसमें ए ऑप्शन ये है, तो आंखें एकदम ऐसे, हाँ यही आंसर, टिक. और आंसर क्या हो जाएगा? गलत. अब सोच क्यों गलत है. फिजिक्स ये कहती है आपने जितनी भी संख्याओं को जोड़ा, ठीक है जी, आप उसमें ये देखो कि वो संख्या कौन सी है जिसमें डेसिमल के बाद सबसे कम संख्याएं हैं. कौन सी संख्या है वो? पहली. इसमें डेसिमल के बाद कितनी संख्या है? फिजिक्स कहती है आपके उत्तर में भी डेसिमल के बाद उतनी ही संख्या होनी चाहिए. यहां आपके उत्तर में डेसिमल के बाद कितनी संख्या आ रही है? 3 नहीं होनी चाहिए. कितनी होनी चाहिए? 1 करने के लिए आपको राउंड ऑफ करना आना चाहिए, इसलिए आपको राउंड ऑफ पहले सिखाया गया. तो राउंड ऑफ करोगे तो 2 को ड्रॉप करोगे, ये क्या रह जाएगा? 4 को ड्रॉप करोगे, ये क्या रह जाएगा? इसका सही उत्तर है 0.6. इसका सही उत्तर क्या है? 0.6. मतलब अगर ऑप्शन में ऐसे लिखा हो A 0.642, B 0.6, C 0.64 और D ऐसे लिखा हो, मुझे नहीं पता. तुम तो ऑब्वियस ही बात है डी पे ही लगाओगे, है कि नहीं है? लेकिन सही आंसर क्या है? बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है अपने आप में, क्योंकि आदमी यही नहीं समझ पाएगा तीनों ही सही हैं, करूं क्या? तीनों ही सही हैं, लेकिन करेक्ट आंसर क्या है? 0.6. पल्ले पड़ा. ये रूल लगेगा ऐड होते टाइम और
सब्ट्रैक्ट होते टाइम, एग्जाम्पल के साथ लिख लो, एग्जाम्पल ही लिख लो, रूल कोई नहीं पूछेगा तुमसे, नोबडी विल आस्क यू द रूल, यू मस्ट नो द टेक्निक। ऐसा एक एनसीईआरटी में सवाल दे रखा है पीछे एक्सरसाइजेस में, उसने वेट ऐड करने को बोला है 14.2 ग्राम में, पता नहीं कुछ केजी ऐड करने को बोला है, कहता आंसर करेक्ट निकाल सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रख के, तो उसमें यही रूल लगेगा। जब बच्चे ऐड करते हैं मेरे पास भाग भाग के आते हैं, देखना सर एडिशन ही तो है, आंसर सही नहीं आ रहा, मैच नहीं हो रहा पीछे से, इसलिए नहीं होता।